जंग के मैदान में सैनिकों को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियारों का सामना करना पड़ता है और कई दुश्मन तो किसी भी हद तक जाने से बाज नहीं आते। आज सबसे ज्यादा खतरा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन से है, जिन्हें कहते हैं CBRN, चिलिस्ट रिस्पांस यूनिट्स को मैदान में उतरना पड़ता है, जो कि ऐसे खतरनाक और कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करने के लिए ट्रेन है। आज की दुनिया में कुछ बेलगाम देश सबके लिए खतरा बन चुके हैं, इसलिए अब जंग की भी कोई सीमा नहीं रह गई है। केमिकल वेपन्स, संक्रमण फैलाने वाले जैविक हथियार, जहरीली गैसेस, बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार, ऐसे एक बम से जहरीली गैस निकलती है। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनके ऊपर बैन लगा रखा है। इनका इस्तेमाल कई शत्रुओं द्वारा किया जाता है जो किसी कायदे कानून को नहीं मानते, लेकिन यहाँ रेस्क्यू टीम्स को भी नहीं भेजा जा सकता क्योंकि ये पूरा इलाका कंटामिनेटेड है। ये यूनिट उस कंटामिनेटेड जोन के किनारे तक पहुंच चुकी है और अब इसे तेजी से आगे बढ़ना होगा। मास्क पहनकर अब ये पूरी तरह सुरक्षित है। इनके अंदर लगे फिल्टर्स जहरीली भाप को सांस लेने लायक हवा में बदल देते हैं। इनके हाथों में मौजूद गेज से कंटामिनेशन के लेवल्स का पता लग जाता है और ये इंपैक्ट का अंदाजा लगा लेते हैं। यहाँ कई सैनिक बम का शिकार बने हैं और उन्हें यहाँ से निकालना होगा। इससे सेना को और ज्यादा ताकत मिलती है